हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने नई वीडियो के साथ फिर लौटा हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगा आईफोन 5S, इसके वॉल्यूम की दोनों अप डाउन काम नहीं कर रहे, वाइब्रेटर की काम कर रही है। मैं आपको ये प्रॉब्लम सर्च करके बताऊंगा कि ये क्यों काम नहीं कर रहे। सबसे पहले आपको चाहिए होगा आईफोन का टूल, से आप नीचे दोनों स्क्रू खोल सकते हैं। उसके बाद आपको एक ओपनर चाहिए होगा, ओपनर से आप इसको थोड़ा सा यहाँ लगाएंगे और इसको हल्का सा खींचेंगे। खींचने के बाद फोन थोड़ा ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप आहिस्ता से इसको ऊपर LCD को कर सकते हैं। LCD ऊपर करने के बाद फोन को शट डाउन करेंगे हम, पावर ऑफ करते हुए फिंगर की का पत्ता निकालते हुए फोरहेड लेंगे स्क्रू ड्राइवर। उसके बाद बैटरी सील हटाएंगे और साइड रख देंगे। उसके बाद हमें बैटरी को हटाना है। बैटरी हटाने के लिए ये लीजिए, मैंने बैटरी भी हटा दिए और फ्रंट कैमरा पत्ता, और ये होता है वॉल्यूम की का पत्ता, ऑन ऑफ की, फ्लैश वॉल्यूम की का पत्ता। ये मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप का होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, वॉल्यूम की पत्ता इस टाइप का होगा। ये हमारी वॉल्यूम की होगी, ये वाइब्रेटर होगा, स्विच, वाइब्रेटर कनेक्टर, ऑन ऑफ स्विच, फ्लैश लाइट। पहले हम खोलने से पहले हम इसको ऊपर से ऐसे ही लगाकर चेक कर सकते हैं कि ये वॉल्यूम की काम बोर्ड से दिक्कत है या हमारे फ्लक्स खराब है। ये मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, एक 30 सेकेंड वेट करना होगा, अभी फोन होने जा रहा है। ये देखिए फोन ऑन हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वॉल्यूम की काम करती है या नहीं। ये मैं चिमटे की मदद से दबाते हुए, ये देखिए वॉल्यूम की काम कर रही है। इसका मतलब हमारा फ्लक्स ही खराब है। अब मैं आपको इसको चेंज करना बताऊंगा कि ये चेंज करते कैसे। पहले चार्जिंग केबल निकालूंगा। फोन पावर ऑफ करूंगा। पावर ऑफ करने के बाद बैटरी कनेक्टर निकाल दूंगा। बैटरी कनेक्टर निकालने के बाद जो अभी मैंने फ्लक्स चेक करने के लिए लगाई थी उसको आहिस्ता से निकाल दूंगा। ये देखिए डिस्प्ले कनेक्टर, टच कनेक्टर, इसको उठाकर मैं साइड में रख देता हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊँगा इसके लिए आपको क्या क्या खोलना होगा। इसको एक स्क्रू यहाँ से खोलना होगा, एक ये मदरबोर्ड से, सिम ट्रे बाहर निकाल देंगे आप। सिम ट्रे बाहर निकालने के बाद एक स्क्रू ये खोलेंगे और दूसरा यहीं से,
ये मदरबोर्ड के पेज के साथ आप ये दोनों स्क्रू भी रख दीजिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे बाद में। एक स्क्रू इधर से खोलता हूँ और एक स्क्रू इधर से खोलता हूँ। अब मैं फोर हेड लेता हूँ, एक स्क्रू इधर से खोल लेता हूँ और ये वाइब्रेटर के तीन स्क्रू खोल देता हूँ। ये देखिए तीन स्क्रू मैंने खोल दिए। अब मैं इसको उठाकर साइड रख देता हूँ। साइड रखने के बाद मुझे अब सबसे पहले बैटरी निकालनी होगी। ये देखिए बैटरी मैंने निकाल दी है। बैटरी निकालने के बाद मदरबोर्ड बाहर निकालना है आपने। मदरबोर्ड बाहर निकालने के बाद ये कैमरा प्लग, ये कैमरा प्लग मदरबोर्ड निकालते टाइम एंटीना वायर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये वाईफाई सिग्नल एंटीना होता है। मदरबोर्ड मैंने एक साइड में रख दिया और एक साइड में रखने के बाद अब मैं 1, 2, 3 तीन स्क्रू फिर खोलूँगा। ये देखिए 3, ये देखिए कैमरा बाहर निकाला मैंने। कैमरा हम साइड से ऐसे रखेंगे। ये देखिए 2 स्क्रू और ये कैमरा फ्लैश लाइट के ऊपर लगे होते हैं। ऑन ऑफ स्विच के ऊपर 1 स्क्रू होगा। ये मैंने वो भी खोल दिया है। खोलने के बाद इसको हल्के हाथ से इधर करेंगे वो निकल जाएगा और इसको ऊपर ऐसे उठाएंगे। ये वाइब्रेटर नॉब होती है। वाइब्रेटर नॉब के बाद हमें इससे इसको हटा लेना है। हमारा दूसरी फ्लक्स ये रही है। अब हम इसको लेंगे, इसको लेकर हम इसको ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने के बाद हम दोबारा से ऑन ऑफ की लेंगे, हटा देंगे। हटाने के बाद यहाँ पर हम हल्का सा ग्लू लगाएंगे। ये देखिए हल्का सा मैंने इस पर ग्लू लगा दिया। ग्लू लगाने के बाद मैं वॉल्यूम की इस पर पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए मैंने वॉल्यूम की भी इस पर पेस्ट कर दी है, आप देख ही रहे हैं। वॉल्यूम की पेस्ट करने के बाद अब मुझे वाइब्रेटर उठाना है। ये देखिए मैंने वाइब्रेटर की पत्ती निकाल ली है और इसको अब मैं वाइब्रेटर पत्ती इस पे लगाते हुए देखिए मैंने लगा दिया। और यहाँ पर ये जो निकले हुए हैं इनको मैं
इनको मैं आयरन की मदद से फ्लैट कर दूंगा। ये देखिए, ये देखिए, मैंने आयरन की मदद से इनको फ्लैट कर दिया है। फ्लैट करने के बाद अब इसको आ जाती है लगाने की बारी। अब मैं वो बताऊंगा कि इसको लगाते कैसे हैं। ये देखिए हाँ फ्रेंड्स, इसके अंदर ऑन ऑफ स्विच के अंदर एक तार लगी होती है, वो तार हमेशा ऊपर की साइड ही होनी चाहिए, तभी हमारा ऑन ऑफ स्विच ढंग से वर्क करेगा। ये देखिए, पहले मैंने ऑन ऑफ स्विच बिठा दिया है। ऑन ऑफ स्विच बिठाने के बाद मैं ऑन ऑफ स्विच पर जो इसका स्क्रू मैंने खोला था, मैं वो टाइट कर देता हूँ। ये देखिए, वो टाइट हो गया और ये साइड बटन लूँगा। साइड बटन लेने के बाद इसके ऊपर, हाँ फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात बता देता हूँ, ये जो इसके अंदर रेड निशान होता है, ये हमेशा ऊपर की तरफ ही होता है। कोई भी मॉडल होगा उसमें सब ऊपर की तरफ ही होगा। ये देखिए, मैंने ये भी लगा दिया है। ये लगाने के बाद मैंने तीन स्क्रू खोले थे, वो इधर साइड में रखे थे, और वो तीनों स्क्रू मैं इस पर लगा दूँगा। 1, 2, 2, 3। ये देखिए, मैंने तीन स्क्रू के ऊपर लगा दिए। ये हमारा वाइब्रेटर यहीं से चलता है, ये वाइब्रेटर को करंट पहुंचाता है, तो इसको डबल टेपिंग होती है उसकी, नीचे से पन्नी हटाने के बाद टेपिंग की, आप इसको इधर पेस्ट कर देना। वाइब्रेटर उठाएंगे आप, वाइब्रेटर उठाने के बाद यहाँ रख देना। जो आपने वाइब्रेटर के तीन पेज खोले थे, उसमें सबसे बड़ा वाला स्क्रू टॉप पे लगेगा, और ये नीचे थोड़ा स्क्रू बड़ा होता है, ये यहाँ लगेगा, और एक स्क्रू छोटा होता है, वो हल्का सा वाइब्रेटर को नीचे दबाएंगे और वो यहाँ लगेगा। ये देखिए, मैंने तीनों स्क्रू लगा दिए। अब आती है फ्लैश लाइट की बारी। फ्लैश लाइट को फ्लैश लाइट की जगह में रखेंगे। जगह में रखने के बाद फ्लैश लाइट सपोर्टर होती है, ये सपोर्ट, इस पत्ती को, सपोर्ट को आप उठाएंगे, और हाँ, इसके नीचे एक ये टेप लगी होती है, ये टेप हटा दीजिए, जिससे फ्लैश लाइट आपकी प्रॉपर ग्लू करे, ग्लो करे। ये देखिए फ्रेंड्स,
के छोटे छोटे होते हैं पेच, ये दोनों स्क्रू मैं यहाँ लगा देता हूँ और एक स्क्रू ऊपर लगा देता हूँ। फ्रेंड्स, मैं इसमें मदरबोर्ड लगाने के बाद स्क्रू लगाता हूँ। ये सब मैं आपको 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज करूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें सारे पेच लगा दिए। पेच लगाने के बाद अब मैं डिस्प्ले कनेक्टर लगा रहा हूँ, टच कनेक्टर पहले, फिर एलसीडी कनेक्टर लगेगा। एलसीडी कनेक्टर लगने के बाद फ्रंट कैमरा सेंसर बत्ता लगेगा। उसके बाद सबसे लास्ट में बैटरी लगाएंगे आप, बैटरी के ऊपर बैटरी शील्ड लगाएंगे आप। बैटरी शील्ड लगाने के बाद आपने दोनों स्क्रू टाइट किए। टाइट करने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अब फिंगरप्रिंट पत्ता इधर लगाने जा रहा हूँ। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये लग चुका है। ये लगने के बाद ये मैं पावर ऑन करता हूँ। पावर ऑन हो गया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये साइड बटन काम नहीं कर रहे थे, अब काम कर रहे हैं या नहीं। मैंने ये फ्लक्स इसका चेंज किया है। कुछ सेकंड लगेंगे, फोन ऑन हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, फ़ोन ऑन हो चुका है। मैं वॉल्यूम की अप कर रहा हूँ, अप भी हो रहा है और वॉल्यूम की डाउन भी हो रहा है। ये देखिए, मैं दोबारा से एक बार अप और एक बार डाउन, ये किसका फ्लक्स की चेंज करने की मदद से। वाइब्रेटर भी काम कर रहा है, ऑन ऑफ स्विच काम कर रहा है। अब ये ऊपर मैं इसको लगाते हुए पहले हल्के हाथ से साइड से दबाऊँगा, फिर इस साइड से दबाऊँगा। ये देखिए, फोन पूरा पैक हो चुका है। पैक होने के बाद ये दोनों स्क्रू लूंगा और यहां लगा दूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, फोन एकदम ओके हो गया। ये देखिए, वॉल्यूम की वर्क कर रही है और फ्लैश लाइट भी वर्क कर रही है। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें।